अंजीम साहब माशाल्लाह से हसन भाई और अब्बास भाई और इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा शुक्रिया बनता है, इन्होंने जो काम कर दिया और हमारा अब नया मिशन है, अब हमने जो करना है ये अगर आप देखें, लेट्स बिल्ड द नेशन टुगेदर। बिल्कुल ठीक है, कौम को हमने मिल के बिल्ड करना है, बिजनेस के जरिए, इकोनॉमी के जरिए, एजुकेशन के जरिए, वो हमारा टारगेट है। इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ 5 दिनों के अंदर ये पूरा एक ऑफिस बिल्ड कर दिया मेगा सक्सेस का इस्लामाबाद में, जो हम काफ़ी अर्से से करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला था, इन्होंने फोर्स किया, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि यहाँ एक सिलिकॉन वैली बनी है। तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, जरा देखते भी हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ आप मुझे ये बताएं कैसा महसूस हो रहा है। वेरी गुड मीर साहब, ये आपको पता है ये जो हसन और अब्बास ये लोग हैं सारे माशाल्लाह, ये हमारी वो यंग जनरेशन है, ये वो यंग ब्लड है जो जिसने लर्निंग करके अब जो है प्लान किया है कि लैड्स को आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह मेगा इनके साथ मिलके पूरी दुनिया के अंदर से जितना भी कह लें कि इन्वेस्टमेंट वाइज रोल है और बाकी यहाँ पे है। तो मीर साहब ये लेट्स बिल्ड द नेशन टुगेदर, ये नेशन बिल्ड करनी है ना। हाँ जी नहीं, बिल्ड करनी है, वो जो तुसी कह रहे हो पहले होया होया, आप बिल्ड करनी है। नहीं तो मतलब ये नेशन ज्यादा तो नहीं ना करनी। नहीं, वैसे मेरा रोल ये है। नहीं वो नहीं, वो शादी का अच्छा, नहीं अच्छा, वो टॉपिक नहीं है। हमारे अब्बास भाई हैं जी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। हसन भाई थोड़े से शर्मीले हैं लेकिन ये क्या कहते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम डाल दिया अंदरों अंदर तुसी, तो अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम एक्शन में आ गए आपके साथ मिल के ये क्या बनता है। तो अंदर से ऑफिस भी देखते हैं, डिस्कशन भी करते हैं कि इस ऑफिस में होगा क्या क्या। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है मुझे जो पसंद आई है जब से मैं आया हूँ जी, मैं कहता हूँ कि यार कोई क्वालिटी का, कोई इंटरनेशनल लेवल का जो है ना ऑफिस मुझे बना दो। तो पहले जो इन्होंने सारा ये किया है, इसकी डिज़ाइनिंग की है, वो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बड़ी पसंद आई है। अब हमने करना ये है कि ख़ास तौर पर जो लोकल कम्यूनिटी है उसमें इन्वेस्टर है, उसमें टैलेंटेड स्टार्टअप्स हैं, ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़। मीर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, लैड्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कम लोग हैं जिनको आइडिया है कि जो हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करते हैं, आप देखें इसका डिज़ाइन जो है वो इन हाउस हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर का डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स वाइज जो है इन हाउस हुई है, और टेबल कुर्सियां तक जो हैं यहाँ के इंटरनल लोगों ने की है। तो ये जो कंसेप्ट है कि यार हर चीज़ जो है वो इन हाउस करनी है और चलानी है ताकि वो जो आप भी बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, तो खुशी की बात ये भी है जो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार इतना खूबसूरत जो आप कह रहे हैं कि हम कहते थे करें, इतना खूबसूरत जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन और जो है फिर इंटीरियर सारा जो है, वो मज़े की बात है कि लैड्स टेक्नोलॉजी के जो यंग लोग हैं उन्होंने सारा जबरदस्त अच्छा तरीके से किया। एक और बड़े मजे की बात है कि हम वहाँ पे थे तो ये इस्लामाबाद वाला ऑफिस तैयार हो रहा था, हम यहाँ पे आए हुए हफ्ता हमने यहाँ पे रहे हैं, तो लैड्स का लाहौर ऑफिस तैयार हो रहा है। वाले जो ना ये मुल्तान में कर चुके हैं, यहाँ इनके 14 ऑफिस हैं, मुल्तान में बन रहे हैं, फिर लाहौर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो ये कम पाई जाए। मीर साहब लाहौर का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह जो है लाहौर के साइज के मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे। लाहौर में लैड्स की बहुत हाई एंड एक्टिविटी होने जा रही है, मैं खुद टेक्निकली वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इनपुट डालूंगा, खासकर जो है जो हम नेक्स्ट आईओटी में स्मार्ट डिवाइसेस में जा रहे हैं कि जो लोगों को अभी पाकिस्तान में आइडिया नहीं है कि हमारी ऐप्स जो हैं वो डिवाइसेस के साथ स्मार्टनेस कैसे पैदा कर सकती हैं। तो लाहौर बहुत बड़ी ओपनिंग होगी, बहुत बड़ा सेटअप है जो लैड्स का लाहौर में इंशाल्लाह होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती है यहाँ पे, ये देखिए ये वो छोटा सा पौधा था जो अब्बास और हसन के साथ मिलकर हमने लगाया था जी, अब इसकी जरा टहनियां देखें, बिल्कुल कि कितने बिजनेसेस इनके साथ बन चुके हैं, अभी कई बिजनेसेस हैं जो यहाँ पे शामिल भी नहीं है। और मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि लोग उस टाइम पे कहते थे कि आप लोग ये पागलों वाला काम करने लगे, इस तरह से नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता, इतना जल्दी ये तनावर दरख्त बना और अब इसको इंशाल्लाह पूरी दुनिया में हमने फैलाना है। तो आज की एक्साइटमेंट ये भी है कि लोग नॉर्मली आपको पता है थक गए थे वैसे मीर साहब, हम माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लेके, इंटेल एचपी और डेल पता नहीं क्या क्या नाम ले लेके, तो हम देखते थे यार कब हमारे नाम होंगे। तो आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो वक्त भी हमें दिखाया है, जिस तरह आपने बात की कि ये बीज
कैसे दरख्त बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वैसे बोरी में पड़े हुए बीज कभी दरख्त नहीं बनते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आपने जो कहा कि आज ये एक बहुत बड़ा जो है मिसाल दे रहे हैं कि वो हैं सारे बीज ही, पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन वो बोरी में पड़े हुए हैं, मौका नहीं मिलता किसी वजह से। तो वही हमने चेंज करना है। इस्लामाबाद में इंशाल्लाह हम खुद कुछ टाइम गुजारेंगे, पहले हमने लोकल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना है ताकि उनको मौका मिले। लोग समझते नहीं है कि यार फर्ज करें आप 5% 10% कंपनी का 1 करोड़ से लेते हो, तो वो कंपनी जब $1 बिलियन की बनती है तो आपका 100 गुना वो पैसा जो है वो बढ़ गया। हम चाहते हैं कि लोकल लोगों को पहले मौका मिले, फिर मैं खुद कुछ अर्से तक इंटरनेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करने लगा हूँ कि एक एक ऐप जो हमारी है वो 50-50, 20-20, 30-30 million पे जाए। बिल्कुल इस तरह ये कंपनी इंशाल्लाह $1 बिलियन पे जाएगी। मेरे साहब सारी जितनी ऐप्स थी, ऊबर, सारी क्रीम, ये सारी इसी तरह से बिल्कुल इनिशियल लेवल पे शुरू हुई, और आज ये कल्चर हमने पूरे पाकिस्तान में फैला देना है कि कैसे जो है आप एक छोटी सी ऐप को, अपने आइडिया को $1 बिलियन पे लेके जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है जी, इंशाल्लाह ये करते हैं। आप अगर ये देख रहे हो, नंबर भी हम लगा लेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ शामिल हों, इधर आके हमारे साथ काम करें, इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े बिजनेसेस लॉन्च करें, आप ज़रूर हमसे रब्ता करो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।